प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कम्पटेटिव एग्जामिनेशन 2024, जिसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल और पारा मेडिकल इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है BCC बोर्ड के तरफ से करवाया जाता है। तो 2024 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो डेट है ये आपका जारी किया गया था और ये 11 अप्रैल को जो है जारी किया गया। 11 अप्रैल से फॉर्म जो है भरे जाने के बारे में नोटिस जो है जारी कर दिया गया बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो पारा मेडिकल इंटर लेवल है इसमें एक कोर्स आता है GNM। क्या? GNM, GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें कितने नंबर ऑफ़ सीटों पे GNM कोर्सेज के लिए एडमिशन होंगे, ये आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको बात करने वाला हूँ। पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अंत तक वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कौन सा बुक आपको फॉलो अप करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उस बुक को परचेज कर सको और उससे आपका जो नॉलेज है, आपकी जो ज्ञान है वो बढ़े और आप एक अच्छा कॉलेज लेकर अपना जो डिग्री है, जो कोर्सेज आपका है GNM, उसे आप कवर कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पारा मेडिकल इंटर लेवल वाला में आपका गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं भाई बताऊँगा, प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कभी गलत इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि जो दुविधा, जो कष्ट मैंने अपने टाइम में सहा वो आप लोगों को ना सहना पड़े, आपको हर वो जानकारी मिले जो आप जानना चाहते हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशंस रहेंगी मैं उसी को बोलूँगा, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा मैं सिंपल बोलूँगा कि भाई तुम किसी और से पूछ लो, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर मुझे जानकारी पता चलेगी तो मैं आपको भी अपडेट करूँगा। तो आज हम GNM कोर्सेज में कितने नंबर ऑफ़ सीटों पर एडमिशन होगी वो जानेंगे और कितने इंस्टीट्यूट हैं अपने बिहार में GNM कोर्सेज के लिए, वो भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है दिया गया है कि जो सीट है वो न्यू रिजर्वेशन रूल जो है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिया गया है ना, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले PMCH में आपका 66 सीटें दिया गया है, NMCH में 66, दरभंगा में 50, मुजफ्फरपुर 66, गया 45, भागलपुर में 75, सासाराम में 60, जहानाबाद 60, शेखपुरा 60, सहरसा 60, बांका 60, बेतिया 40, बक्सर 50, वैशाली 60, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है ईस्ट चंपारण 60, मधुबनी 60, सुपौल 60, कटिहार 60, मुंगेर 60, जमुई 60, खगड़िया में 60 सीट है, लखीसराय में 60 सीट है, अरवल में 60 सीट है, भभुआ में 60 सीट है, गोपालगंज में 60 सीट है और सिवान में 60 सीट है। टोटल 26 इंस्टीट्यूट हैं 26 ज़िले में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीटें बात किया जाए तो 1538 सीट जो है यहाँ पे दिया गया है। यानी 1538 सीटों पे 2024 में, यानी इस साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे 1538 लोगों का एडमिशन जो है यहाँ पे कराया जाएगा।
यहाँ पे तीन पॉइंट जो है दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार, कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी काउंसलिंग या इंटरव्यू के समय सुनिश्चित कर दी जाएगी। यहाँ पे जो भी सीटें दिया गया है वो सीटें तो हैं, लेकिन कुछ सीटें बढ़ सकती है। कब? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जब जो है चलेगा तब। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीटों के विवरण विगत वर्ष के आधार पर दर्शाया गया है। संस्थान या सीटों की संख्या यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे काउंसलिंग या के टाइम में जो है चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से मान्यता या अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ करवाई होगी। यानी एक बार समर्थन या मान्यता मिलेगी तभी जो है आपका एडमिशन होगा, क्योंकि हर साल निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शंस होता है, उसके आधार पे एडमिशन जो है आपका किया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा बुक आपके लिए वेस्ट होगा। तो डियर, यहाँ पे आपका बुक मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, जो कि आर्यहंत पब्लिकेशन का जो है ये बुक है, बिहार पारा मेडिकल इंटर लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। हिंदी में ये बुक जो है दिया गया है फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, है ना। यहाँ पे ये जो बुक है जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको जो है 373 रुपया जो है आपका लगेगा। कितना? 373 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा। आपको मैं लिंक इस बुक को बाय कैसे करना है लिंक आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बुक का जो है फ्रंट पेज वगैरह जो है आप देख सकते हो, जो कि आप यहाँ पे सूची भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको इस बुक में मिलेगा। 23, 22, 21 और 20, ये चार, ये फोर ईयर का, कितने? फोर ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी जो है आपको इसके साथ दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के बाद विज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है आपका यहाँ पे जो है दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे और अगर डिटेल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सामान्य हिंदी और इंग्लिश भी जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। परीक्षा के प्रारूप अगर देखें तो सामान्य विज्ञान में जो है 25 क्वेश्चंस, गणित में 15, हिंदी में 15, अंग्रेजी में 15 और सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन जो है मिलेंगे। टोटल 450 नंबर के रहेंगे, 90 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटा 15 मिनट जो है यहाँ पे आपको जो है टाइम लगेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके, और अपने सभी साथियों के साथ इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस बुक को परचेज़ कर सके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट रख सकें। मिलते हैं नई वीडियोज़ में। थैंक यू।